हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में आने वाली 1,31,000 पदों की बम्पर भर्ती 2019 के बारे में, जिसमें आपका एनटीपीसी, एएसएम, टीसी, टीटीई, गुड्स गार्ड एवं अन्य पदों पे बम्पर भर्ती आने वाली है। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा दोस्तों, 23 जनवरी के दिन ही माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आपका रेलवे जो है 3 सालों में 4 लाख वैकेंसी निकालेगी, जिसमें से आपका जो फर्स्ट फेज की वैकेंसी होगी उसमें 1,31,000 पदों पे बम्पर भर्ती आने वाली है। तो फर्स्ट फेज का जो आवेदन होगा कब से स्टार्ट होगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद ही आपको बताऊंगा कि जो आपकी भर्ती आने वाली है 1,31,000 पदों पे, इसमें योग्यता देखा जाए तो 10वीं पास के लिए भी कुछ पोस्ट हो सकती है, 12वीं पास के लिए तो होगी ही, स्नातक पास के लिए भी यहाँ पे भर्ती आने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देख लेंगे, जो कि न्यूज पेपर में आपका छपा है, जो कि इनके द्वारा बोला गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, क्योंकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स द्वारा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि सर टिकट कलेक्टर की कितनी वैकेंसी हो सकती है जो आपका 1,31,000 पदों पे भर्ती आने वाली है फर्स्ट फेज में, तो टिकट कलेक्टर की उसमें कितनी वैकेंसी हो सकती है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बोले तो एएसएम के लिए कितनी वैकेंसी हो सकती है, और दोनों ही पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए और एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो ये सब के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अमर उजाला का ऑफिशियल न्यूज पोर्टल ओपन कर रखा है और इस नई वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों सारे डेटा के साथ ही इस न्यूज पेपर में सब कुछ छपा हुआ है। रेलवे 3 साल में देगा 4 लाख नौकरी, रेल मंत्री बोले गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जनरल कैंडिडेट वालों के लिए जो EWS में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, और रेलवे ये पहली संस्था हो जाएगी दोस्तों जो कि आपका इंप्लीमेंट करेगी 10% रिजर्वेशन वाला, जो कि जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे 10% का यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है, जो कि 1.31 लाख भर्ती आने वाली है इसमें। तो चलिए आगे देख लेते हैं पूरी खबर को, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। केंद्र सरकार चुनावी पटरी पर नौकरी के इंजन के सहारे अपनी सियासी ट्रेन को रफ्तार देने जा रही है, इसके लिए 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की योजना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि रेलवे 2021 तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, साथ ही इन भर्तियों में सामान्य वर्ग के गरीबों का अलग से कोटा भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि 10% रिजर्वेशन दिया जाना है। आगे बोला गया है, गोयल ने कहा कि 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, मार्च तक कई आवेदकों को नौकरी मिलनी भी शुरू हो जाएगी। आपको बोला गया है जो अभी रेलवे ग्रुप डी और जो ALP का वैकेंसी चल रहा है, इसमें बोला गया है कि मार्च तक यहाँ पे नौकरी भी मिल जाएगी, यानी कि जल्द ही आपका रेलवे ग्रुप डी का जो चल रहा है और असिस्टेंट लोको पायलट का चल रहा है उसका भी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे बोला गया है, अगले 2 साल में रेलवे के करीब 2.5 लाख लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इन पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को जिस तरह से पहले आरक्षण की सुविधा मिलती थी वह नई भर्ती प्रक्रिया में भी मिलेगी, इस तरह से युवा जोश रेलवे में आएगा। अब देखिए जो डेटा यहाँ पे पब्लिश है, जो देख सकते हो आप लोग, टोटल कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो 2,30,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जो कि पूरी प्रक्रिया 2021 तक कंप्लीट हो जाएगी 2,30,000 पदों के लिए। अब पहला चरण जो होगा इसमें आपको 1,31,428 पदों पे बम्पर भर्ती आएगी, जिसमें आवेदन आप लोग कब से शुरू कर सकते हो, तो फरवरी और मार्च 2019 से आप लोग आवेदन इसके लिए कर सकते हो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इसके बाद नियुक्ति कब होगी, तो दोस्तों इसका पूरा जो प्रोसेस चलेगा आपका 1 साल तक चलेगा, जिसमें अप्रैल मई 2020 तक आपका नियुक्ति भी इसमें हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। अब दूसरा चरण आपका स्टार्ट होगा दोस्तों, जिसमें कि आपको 1 लाख पद पे बम्पर भर्ती आएगी, जिसमें आवेदन आप लोग मई जून 2020 से कर सकते हो, और इसमें जो नियुक्ति है जुलाई अगस्त 2021 तक आपका हो जाएगा, जो कि यहां भी बोला गया कि 2021 तक आपका पूरा नियुक्ति कंप्लीट करवा लिया जाएगा। अब देखिए किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट यहां पे आया है, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए देखें तो जितना भी आपका 2,30,000 पोस्ट है इसमें से ओबीसी के लिए 62,000 पोस्ट होंगे, अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट के लिए 34,000 पोस्ट होंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 12,000 पोस्ट होंगे, गरीब स्वर्ण जो कि आपका 10% रिजर्वेशन में बिलोंग करेंगे यूआर कैंडिडेट, उनके लिए 23,000 पोस्ट होंगे, और बाकी जितने भी बचे दोस्तों जितने भी पोस्ट 70,000 या
75,000 वो आपका हो जाएगा यूआर कैंडिडेट के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो पूरा डेटा ही यहाँ पे बता दिया गया है और पूरा आपको डेट भी बता दिया गया है कि कब से कब आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कब से आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है। चलिए अब आपको बताता हूं कि टीसी की इसमें कितनी भर्ती आएगी, एएसएम की कितनी भर्ती आएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टिकट कलेक्टर के ऊपर कि टीसी या फिर टीटीई की कितनी वैकेंसी हो सकती है अगर 1,31,000 पद की जो फर्स्ट फेज में भर्ती आती है उसमें। तो आपको बता दूं कि शुरू में जब सर्कुलर भेजा गया था सभी आरआरबी बोर्ड को और वहां से जब रिपोर्ट आया था दोस्तों, तो आपका सितंबर 2018 तक टीसी की जो टोटल ऑफिशियल तरीके से वैकेंसी थी वो थी 3,000 पोस्ट। और आप लोगों ने विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा कि टीसी की 3,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, या फिर आप लोगों ने कई यूट्यूबर के वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि 3000 पदों पे भर्ती आने वाली है। दोस्तों ये भर्ती एक्चुअली आने वाली थी 2018 में, लेकिन आरआरबी बोर्ड के द्वारा यहां पे इसको रोक के रखा गया क्योंकि कुछ जोन ऐसे भी थे जहां से उस सर्कुलर का रिपोर्ट नहीं आया था और उसी को कंपनसेट करने के लिए फिर से दोस्तों आपका 11 नवंबर 2018 को ऑफिशियल तरीके से फिर से सर्कुलर भेजा गया है। अगर आप हमें फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कितनी बार मैंने बता चुका हूं एआईआरएफ के वेबसाइट के अकॉर्डिंग कि वहां से फिर से आपको भेजा गया है टीसी की भर्ती लिए जो सर्कुलर, और इसका रिपोर्ट है दोस्तों 3 मंथ के अंदर देना है उनको, डेडलाइन 3 मंथ का दिया गया है। तो ये जो 3000 पोस्ट पे जो भर्ती आने वाली थी 2018 में, ये तो 3000 पोस्ट पे अभी ही आएगी, इसमें ये कंफर्म है आपका 3000 पोस्ट। लेकिन दोस्तों और भी कुछ पद इसमें आपका ऐड होंगे, जैसे कि हो सकता है कि आपका 2500 से लेकर 3000 पद और ऐड हो। तो टोटल बात करें कि टीसी या फिर टीटीई की कितनी भर्ती आ सकती है इस 1,31,000 में, तो आपका लगभग दोस्तों 5500 से लेकर 6000 के आसपास यहां पे टीसी की भर्ती हो सकती है। अब कई लोग पूछते रहते हैं कि सर टीसी या फिर टीटीई की कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग 12th पास हो, 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हो और आपके पास 50% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए दोस्तों, 50% मार्क्स एनी हाउ होने चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला के, तब आप लोग टीसी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और यूआर कैंडिडेट के लिए 50% रखा गया है, बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ छूट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 45% भी यहाँ पे एग्रीगेट मांगा जाए, लेकिन अभी जनरल कैंडिडेट के लिए पिछली वैकेंसी के हिसाब से 50% आपका परसेंटेज मांगा गया था 12th में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में कि टीसी की एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो रेलवे में आपकी बोली जाती है ऑफिशियल जो एज क्राइटेरिया है वो आपका है 32 साल। 32 साल से ज्यादा के लोग जो है जनरल कैंडिडेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जो जेई की जो भर्ती आई है इसमें 1 साल बढ़ा के 33 साल अभी कर दिया है 2019 में, तो हो सकता है 33 साल कर दे, लेकिन अभी तक तो रेलवे में जो होती है 32 साल ही आपकी रखी गई है एज लिमिट। 32 साल से ज्यादा के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कितनी पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जो 1,31,000 पद आएगी उसमें कितनी वैकेंसी रह सकती है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जनवरी 2018 तक आपके टोटल जो पोस्ट थे वो 50,000 के आसपास दिखाए गए थे। आपको विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चला होगा कि 50,000 पदों पर स्टेशन मास्टर की भर्ती आने वाली है, कई न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला होगा, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था कि 50,000 पदों पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती आने वाली है। लेकिन दोस्तों इतनी पदों पे वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, 50,000 सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के पदों पे भर्ती नहीं आएगी। इसमें हो सकता है कि आपका लगभग 20,000 से लेकर 24,000 तक आपकी वैकेंसी हो सकती है, ऑफिशियल तरीके से आ सकती है, लेकिन 50,000 नहीं आएगी, यही 20,000 से 25,000 के बीच में ही आपकी वैकेंसी रह सकती है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की। अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको बता दूं दोस्तों कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए आप लोग ग्रेजुएट अगर पास हो, किसी भी स्ट्रीम में आप लोग ग्रेजुएट पास हो दोस्तों, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। और एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट में सिर्फ और सिर्फ आपका वही 32 साल आपको रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, 32 साल से ज्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको हो सकता है कि 1 साल बढ़ा दिया जाए, जैसे कि रेलवे जूनियर इंजीनियर की जो 2019 की भर्ती आई है उसमें 32 नहीं 33 साल कर दिया गया है एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए।
तो फ्रेंड्स, अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अब बात करते हैं दोस्तों कि और जितनी भी बची हुई वैकेंसी है उसमें किसकी किसकी वैकेंसी आने वाली है। तो आपको बता दूं कि जो क्लर्क की भर्ती होती है उसकी भी यहां पे पोस्ट आने वाली है। आपका जो भी एनटीपीसी में अदर जो पोस्ट होते हैं उसकी वैकेंसी आने वाली है। आपका गुड्स गार्ड होता है दोस्तों, उसकी भी वैकेंसी इसमें आने वाली है। और आपको बता दूं कि शुरू में जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली थी तो उस समय बोला गया था कि 1 लाख पदों पे भर्ती आएगी, लेकिन आया कितना पे, 63,000 पदों पे भर्ती आया। तो हो सकता है कि जो बचा हुआ भर्ती है यहां पे ग्रुप डी की भी भर्ती इसमें आ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।